नमस्कार, आज मैं अपने मनाली के विधायक गोविंद ठाकुर जी को मिलने जा रही हूँ। आइए मैं आपको ले चलती हूँ उनके घर। नमस्ते करुणा जी, बहुत बधाई, स्वागत आपका। बहुत बधाई, आप हिमाचल के विनर बने, बहुत बधाई आपको। थैंक यू, मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, तो आपने बहुत कुछ दे दिया। नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है। थैंक यू। और एक ही साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ क्लासिक मिसेज इंडिया का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार इसको आयोजित किया। और उसमें हमारे तो सौभाग्य की बात यह है कि हमारी मनाली की बेटी कल्पना इसमें विनर हुई। और इसके बाद आप जो नेशनल आपका कंपटीशन है वहाँ जाने वाली हैं, और उसमें भी आप निश्चित रूप से मिस इंडिया के उसमें पहला स्थान प्राप्त करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। आइए बैठिए। कल्पना जी, आपको बधाई और शुभकामनाएं तो मैंने दी है, लेकिन एक अब जो काम आप कई सालों से लगातार करती आ रही हैं, अब उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक अवसर मिलेगा। आप कई सालों से पर्यावरण के क्षेत्र में जो घर में जो वेस्टेज होती है, उस सब के अनेक प्रकार के खिलौने बनाना, अनेक प्रकार के साज सज्जा के सामान बनाना और फिर ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें तैयार करना, ये आपने एक नई चीज़ क्रिएट की है। और उसके साथ आप अनेक कामों को आप करती आ रही हैं। और राधा एनजीओ जैसे में आपके द्वारा गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना, तो विभिन्न समाज के क्षेत्रों में और जहाँ तक ये कहा जाए कि साफ सफाई स्वच्छता में, उसमें भी आपने अनेक प्रकार के काम किए हैं। चलिए पहले तो इन सब कामों के बारे में हमारा ज़िला लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली के लोगों को जानकारी थी। अब जो क्लासिक मिसेज इंडिया ने ये काम जो आयोजित किया है, जिसके कारण से एक हम सब के लिए गौरव की बात है कि आप हिमाचल की विजेता बनी, और अब आप आने वाले दिनों में जहां भी जाएंगी उसे पूरे प्रदेश में और देश में और दुनिया के अंदर लाहौल स्पीति और मनाली इस सारे क्षेत्र का नाम भी आगे बढ़ेगा, और अनेक महिलाएं जो घर में रहती हैं उन सबको भी प्रेरणा आपके द्वारा प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।